अब तक बस तकरीबन आधे रास्ते का सफर तय कर चुकी थी। रास्ता जितना सुनसान था उतना ही अंधेरे में डूबा हुआ भी था। बस में मेरे और राहुल के अलावा ज्यादा लोग नहीं थे। अगर थे भी तो वो सभी नींद के आगोश में थे। रात काफी हो चुकी थी। घड़ी बता रही थी रात के 10:45 बज चुके हैं। तभी मैंने राहुल से कहा, ये कौन सी जगह है भाई? इस पर राहुल बोला, भाई तू मुझसे ये 3 बार सवाल पूछ चुका है, अब मुझे क्या पता, मैं भी तो तेरे साथ पहली बार ही आ रहा हूँ। जरा शांत बैठ, कंडक्टर को एड्रेस बता दिया है ना, वो ठीक जगह पर उतार देगा। मुझे भी लगा राहुल ठीक ही बोल रहा है, जिसके बाद मैंने थोड़ी राहत की सांस ली और आंख बंद करके सीट पर पड़े पड़े ही सोने की कोशिश करने लगा। अभी मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी बस रुकी और मेरे कंधे पर एक हाथ के साथ ही साथ एक आवाज आई, ओ भाई साहब चलो आगे आशिमपुर, उतरना नहीं है क्या? आवाज सुनकर मैं फट से उठकर खड़ा हो गया। मेरे साथ ही साथ राहुल भी उठा और हम दोनों अपना सामान लेकर बस से नीचे उतरने लगे। मैंने सोचा एक बार कंडक्टर से ही पूछ लेता हूँ कि पटोलिया का जंगल किधर है, जिस पर मैंने कंडक्टर से कहा, भाई साहब आप बता सकते हैं ये पटोलिया का जंगल किधर पड़ेगा? इस पर कंडक्टर बोला, माफ करिएगा भाई साहब मुझे नहीं पता, आप किसी और से पूछ लीजिएगा। कंडक्टर से ना में जवाब पाकर हम दोनों बस से नीचे उतर गए और हमारे उतरते ही बस भी वहां से निकल गई। उस काली अंधेरी रात में उस रास्ते पर हम दोनों के अलावा तीसरा कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। तभी राहुल बोला, यार यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा, हम पटोलिया का जंगल तक कैसे पहुंचेंगे? इस पर मैंने बोला, अब आगे चलकर देखते हैं, यहाँ खड़े खड़े तो कुछ होगा नहीं, चल। इतना बोलकर हम लोग उसी रोड को पकड़कर आगे बढ़ने लगे, मगर उस सीधे रास्ते पर जहां तक मेरी नजर जा रही थी सिर्फ खामोशी और अंधेरा ही नजर आ रहा था। इतना खाली रास्ता हम दोनों खासकर मैं पहली बार देख रहा था, क्योंकि शहर में तो रात भर गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला लगा रहता है, जिसकी वजह से ऐसा नजारा कभी भी देखने को नहीं मिलता। बहुत देर चलने के बाद भी जब हमें कोई आदमी नहीं मिला, तब हम लोग एक दिशा निर्देशक बोर्ड के उल्टी तरफ लदकर खड़े हो गए। हम बहुत थक चुके थे, एक तो हमारे हाथों में भारी भरकम बैग थे और दूसरा ये कि हम बहुत चल चुके थे। तभी राहुल थोड़ा खिसियाते हुए बोला, भाई छोड़ अब कहीं नहीं जाना, चल घर वापस लौट जाते हैं। इस पर मैंने कहा, पागल वागल तो नहीं हो गया तू, इतनी दूर जब आ ही गए तो उदय से मिलकर ही जाएंगे। पता नहीं इस उदय के बच्चे को क्या चुल मच गई जो उसने इस जंगल में घर ले लिया। इतना बोलकर मैं सीधा खड़ा हुआ और बोर्ड के जिस तरफ लिखा हुआ था उधर पलटा, तो उस बोर्ड पर लिखा हुआ था पटोलिया का जंगल 2 किलोमीटर और साथ ही साथ रास्ते के बगल में जंगल की तरफ इशारा करके एरो भी बना हुआ था। उस बोर्ड को देखकर मेरी सांसों में सांस आ गई और मैंने वो बोर्ड राहुल को दिखाया। उस बोर्ड को देखकर राहुल भी बहुत खुश हुआ और हम लोग रास्ते के किनारे उन जंगलों की ओर आगे बढ़ने लगे। अब आगे बढ़ते हुए हमें थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब हम सही रास्ते पर चल रहे थे। जंगल के अंदर रात कीड़ों की आवाज़ें हमारे कानों में लगातार आए जा रही थी। वो बहुत घना जंगल था, बड़े बड़े पेड़ों की वजह से चांद की रोशनी भी ठीक तरह से उस जंगल में नहीं पहुंच पा रही थी। तभी राहुल बोला, भाई ये उदय ने इस घने जंगल में घर कैसे ले लिया? वो तो भूतों से बहुत डरता था, यहाँ कैसे रहता होगा? बड़ा अजीब सा नहीं है यहाँ पर कुछ? जिस पर मैंने कहा, बात तो तेरी सही है,
अजीब तो कुछ मुझे भी लग रहा है। अब हम दोनों को उस जंगल में चलते हुए काफी वक्त हो चला था, मगर अभी तक ना तो हमें कोई घर दिखा था और ना ही कोई इंसान। समझ नहीं आ रहा था आखिर उदय का घर है तो है कहाँ। पटोलिया के उस घने जंगल में अभी हम दोनों चल ही रहे थे कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे हमारे अगल बगल में लगे पेड़ अपने आप ही हिल रहे हों। शायद ये बात अब तक राहुल भी नोटिस कर चुका था, तभी तो वो भी मेरी ही तरह उन पेड़ों को घूर घूर कर देख रहा था। इतने में ही राहुल बोला, भाई ये सारे पेड़ ऐसे हिल क्यों रहे? इस पर मैंने कहा, पता नहीं यार, अभी तो हवा भी नहीं चल रही, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, जल्दी निकल यहाँ से। इतना बोलकर ही हम दोनों ने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी और तेजी से उस जगह को पार करने लगे। मगर हम जितना आगे बढ़ रहे थे जंगल में लगे सारे पेड़ मुझे हिलते हुए ही नजर आ रहे थे। हम दोनों किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, ये अंदाजा लगते ही हम दोनों ने चलना छोड़कर दौड़ना शुरू कर दिया। मेरी तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अभी हम दोनों भाग ही रहे थे कि तभी अचानक ही मेरे मुंह के सामने एक सफेद कपड़ा आ गया जिससे मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं किसी पत्थर से टकराकर जमीन पर जा गिरा। मगर जब मैंने अपने आसपास देखा तो वहां कोई सफेद कपड़ा नहीं था। मुझे बहुत हैरानी हुई, मगर तभी राहुल ने मुझे सहारा देकर उठाया और हम लोग आगे की ओर चलने लगे। थोड़ा और आगे जाते ही मुझे एक छोटा सा घर दिखने लगा। हम दोनों समझ गए कि यही उदय का घर होगा और इस बात की पुष्टि तब हो गई जब हम दोनों उस घर के नज़दीक पहुंचे, क्योंकि उस घर के बाहर एक कुर्सी लगाकर उदय आराम से बैठा हुआ था। थोड़ी देर पहले तक हमारे जिस चेहरे पर परेशानी के काले बादल छाए हुए थे, वहीं अब उदय को देखकर हमने थोड़ी राहत की सांस ली। हम दोनों चलकर जैसे ही उदय के पास गए तभी उसने कहा, अरे आ गए तुम लोग, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था, आओ बैठो। जिस पर मैंने कहा, पर तुझे कैसे पता चला कि हम लोग आने वाले हैं? इस पर उदय बोला, मुझे सब पता है, चल बैठ। उदय के सामने ही दो और कुर्सियां लगी हुई थी, लिहाजा हम दोनों वहीं पर बैठ गए। अभी मैं एक कुर्सी पकड़कर बैठा ही था कि तभी मेरे नाक में एक अजीब सी सड़ी हुई सी बदबू आने लगी, जैसे आसपास में कोई जानवर वगैरह मर गया हो। जिस पर मैंने उदय से बोला, भाई ये बदबू किस चीज की आ रही है? इस पर उदय बोला, बदबू? कैसी बदबू? मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। तभी राहुल बोला, नहीं भाई, कोई बदबू तो आ रही है जरूर, मैं मुर्दा घर में काम करता हूँ और ये बदबू किसी लाश जैसी है। तभी उदय बोला, अरे वो सब छोड़, इतनी दूर से तुम लोग ये सब बात करने आए हो? इस पर मैंने कहा, अच्छा भाई उदय, तू यहाँ अकेले कैसे रह लेता है, डर नहीं लगता तुझे? इस पर उदय बोला, डर? नहीं, डर नहीं लगता। इस पर राहुल उदय से बोला, वाह तू तो बड़ा बदल गया यार, पहले तो तू बहुत डरता था। इस पर उदय बोला, मैं नहीं डरता, पर मेरे इस घर में रहकर तुम लोग डर जाओगे, क्योंकि मेरे घर के उस तरफ एक कब्रिस्तान है जो मेरे घर की खिड़की से नजर आता है, तुम लोग उस खिड़की के पास 5 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे। उदय की सारी बात सुनकर मैंने कहा, तू हमें डरा रहा है, ये काम तो हम दोनों अकेले जाकर भी कर सकते हैं। इतना बोलकर अभी मैं उदय के घर की ओर जा ही रहा था कि तभी उदय ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, रुक, ये टॉर्च ले जा, तेरे काम आएगी। उदय का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था जो मैंने अपने हाथ पर साफ महसूस किया, मगर किसी जिंदा इंसान का हाथ इतना ठंडा कैसे हो सकता है?
खैर मैंने उदय से बैटरी टॉर्च लिया और उस घर की ओर आगे बढ़ने लगा। बैटरी टॉर्च जलाकर मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा, जो कि बस ऐसे ही बंद था। मैंने उस दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हुआ तो वो सड़ी हुई सी बदबू और तेज हो गई, जैसे वो बदबू इसी घर में से आ रही हो। खैर अपना नाक दाब कर अभी मैं आगे चल ही रहा था कि तभी मेरे चेहरे से कोई चीज टकराई। मैंने जब टॉर्च की लाइट को सामने की तरफ किया तो मैं दंग रह गया, क्योंकि अभी अभी जो मेरे चेहरे से टकराया था वो कुछ और नहीं बल्कि एक इंसानी शरीर का पैर था। वो शरीर फांसी से लटक रहा था। मैंने जब अपनी टॉर्च की लाइट को उस लाश के ऊपर अच्छे से मारकर देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरे दोस्त उदय की थी। मेरी चीख सुनकर राहुल भागकर मेरे पास आया। उस लाश को देखकर राहुल भी हक्का बक्का रह गया। उस लाश को देखकर अभी हम उस घर से निकलने के लिए पीछे मुड़े ही थे कि तभी अचानक ही हमारे सामने उदय आ खड़ा हुआ। उदय को अपने सामने पाकर हमारे डर की कोई सीमा ना रही। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, मगर तभी उदय बोला, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से, ये जंगल ठीक नहीं है। इतना बोलकर उदय वहां से गायब हो गया और साथ ही उसकी लाश भी। फिर हम दोनों उस जंगल से बाहर निकल गए। मगर उदय की मौत कैसे हुई और उस रात वो सब क्या था, ये किसी को भी आज तक समझ नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं सुंदर और विशाल, हम तीनों बचपन के दोस्त हैं। हालांकि विशाल हमारे गांव का नहीं था, मगर मैं और सुंदर हम दोनों एक ही गांव के थे। हम तीनों का खाना पीना, उठना बैठना सब एक साथ में ही होता था। एक बार की बात है, उस दिन विशाल का जन्मदिन था। पहले जब हम छोटे थे तब उसके घर वाले उसका जन्मदिन दिन में मनाते थे और शाम होने से पहले पहले खाना पीना सब कुछ निपट जाया करता था। मगर पिछले 2 सालों से ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले 2 सालों से विशाल का जन्मदिन रात में मनाया जाता आ रहा है और ऐसा कोई साल नहीं जब मैं और सुंदर हम दोनों विशाल के जन्मदिन में ना शरीक हुए हों। तो इस बार भी हमारा जाना बनता ही था, लिहाजा मैंने और सुंदर ने अपना अपना साइकिल निकाला और शाम के तकरीबन 6 बजे तक हम लोग निकल पड़े विशाल के गांव की ओर। विशाल का गांव हमारे गांव से थोड़ा दूर था, इसलिए हम शाम को ही निकल गए। घर वालों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर लौटने में ज्यादा रात हुई तो विशाल के घर में ही रुक जाना, मगर हम घर वालों की बात कहां सुनने वाले थे। खैर कुछ ही देर में हम लोग विशाल के घर पहुंच गए। ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ 2 लोग ही उसके दोस्त थे, वहां पर उसके गांव के काफी सारे लड़के मौजूद थे। धीरे धीरे सारा कार्यक्रम शुरू हुआ और रात के 9 बजे तक खत्म भी हो गया। विशाल के घर पर अब सिर्फ हम 2 दोस्त ही मौजूद थे। हम ये सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए, घर के लिए निकलना चाहिए या फिर आज की रात घर वालों की बात मानकर विशाल के घर में ही रुक जाना चाहिए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर तभी सुंदर ने मुझसे कहा, भाई चल घर चलते हैं, विशाल के इतने सारे रिश्तेदार हैं यहाँ पर, हम कहाँ रहेंगे, चल साइड से निकल लेते हैं। सुंदर की बात तो ठीक ही थी, विशाल के काफी सारे रिश्तेदार आए हुए थे, ऐसे में हमारा वहां रुकना ठीक नहीं होता। फिर क्या था, छुपके छुपाते बिना किसी को बताए हम दोनों ने अपना अपना साइकिल लिया
और अपने गांव की तरफ निकल पड़े, बिना किसी को बताए। इसलिए क्योंकि अगर हम विशाल को अपने निकलने की जानकारी देते तो वो हमें उसके घर से टस से मस नहीं होने देता। खैर, रास्ते पर हम दोनों के अलावा तीसरा कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था, और क्योंकि बात काफी पुरानी है इसलिए रास्ते का ये नजारा लाजमी ही था। रास्ते के अगल बगल जंगल होने के कारण रात कीड़ों की आवाज लगातार हमारे कानों में आए जा रही थी, साथ ही साथ मौसम के हालात भी कुछ खास ठीक नहीं लग रहे थे। बीच बीच में बिजलियां चमक रही थी और साथ ही साथ बादल भी गरज रहे थे। इतने में ही सुंदर ने मुझसे कहा, भाई जरा जल्दी पैर चला, कहीं बारिश आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इस जंगल में कहां रुकेंगे हम लोग? इस पर मैंने अपना सिर हां में हिलाते हुए पैरों की रफ्तार को तेज कर दिया और तेजी से पैंडल मारने लगा। मगर कहते हैं ना, हम जो चाहते हैं वो कभी नहीं होता। हम तेजी से कुछ आगे गए ही थे कि तभी हमसे भी ज्यादा तेजी से बारिश ने हमला बोल दिया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हमें संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला और ना ही सुंदर को। उस वक्त हमें कुछ सूझा नहीं तो हम रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। बारिश बहुत ही तेजी से बरसे जा रही थी और साथ ही साथ बादलों की गर्जन उस माहौल में डर घोल दे रही थी। आसपास अंधेरा इतना ज्यादा फैला हुआ था कि हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो रहा था। बीच बीच में बिजली चमकने की रोशनी से ही थोड़ा बहुत दिख रहा था। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मेरी नजर सामने हमसे कुछ ही दूरी पर चल रही लाइट जैसी कुछ चीज पर गई। पर चूंकि वो हमसे काफी दूरी पर था इसलिए साफ तौर पर समझ में नहीं आ रहा था कि वो है क्या। जिस पर मैंने सुंदर से कहा, वो देख उधर, वो सामने कुछ चमक रहा है ना। सुंदर मेरे इशारे की ओर पलटा और कुछ देर तक उस चमकती हुई चीज को देखने के बाद सुंदर ने कहा, हाँ यार, लगता है वहां कोई दुकान है। पर उस जगह पर तो एक कब्रिस्तान था, फिर वहां दुकान किसने लगाया होगा? इस पर मैंने कहा, जिसने भी लगाया हो हमारे लिए तो अच्छा ही रहेगा ना। वहां जाकर आराम से बारिश रुकने का इंतजार भी करेंगे। यहाँ इस मौसम में पेड़ के नीचे खड़े रहना ठीक नहीं रहेगा। सुंदर मेरी बात से सहमत था, लिहाजा हम दोनों ने उसी वक्त पेड़ों की आड़ में उस रोशनी की तरफ जाना शुरू कर दिया। साइकिल धक्का देते देते जब हम उस रोशनी के करीब पहुंचे तो सुंदर का अंदाजा एकदम सही निकला। वो एक चाय की दुकान थी। दुकान पर चाय वाले के अलावा दूसरा कोई शख्स नहीं था और वो चाय की दुकान ठीक कब्रिस्तान के दरवाजे के बगल में बनी हुई थी। खैर, हम दोनों उस दुकान में लगी एक बेंच पर जाकर बैठ गए। दुकान की छत टीन की शेड से बनी हुई थी जिस वजह से बारिश के तेज बूंदों की आवाज हमारे कानों में चुभ सी रही थी। अभी मैं आसपास देख ही रहा था कि तभी सुंदर ने मेरे कानों में फुसफुसाते हुए कहा, भाई ये चाय वाला चाय क्यों बना रहा है? यहाँ पर तो इसकी चाय पीने वाला कोई है ही नहीं। इस पर मैंने धीरे से सुंदर को चुप रहने का इशारा किया क्योंकि हमें इससे कोई लेना देना नहीं था। अभी हम दोनों चुपचाप वहां बैठे ही थे कि तभी कब्रिस्तान के अंदर से चलते हुए एक आदमी चाय की दुकान पर आया और चाय वाले से कहा, बन गई चाय, तब से इंतजार कर रहे हैं हम लोग, लाइए। इस पर उस चाय वाले ने कहा, हाँ हाँ बन गई, अभी केतली में डालकर देता हूं। मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये आदमी कब्रिस्तान के अंदर से कहां से आया, ये कब्रिस्तान के अंदर क्या कर रहा था और ये किन लोगों के लिए चाय ले जा रहा है।
मेरे सारे सवाल जहन में घूमने लगे। खैर, उस चाय वाले ने उस आदमी को केतली में चाय डालकर दिया और वो आदमी चाय लेकर कब्रिस्तान के अंदर चला गया। उस आदमी के जाते ही चाय वाले ने हम दोनों की तरफ देखा और हमसे कहा, चाय पियेंगे साहब? चाय वाले की बात पर हम दोनों ने अपना सिर ना में हिलाया। मैंने सोचा यही अच्छा मौका है, चाय वाले से पूछता हूँ कि आखिर वो आदमी था कौन जिस पर मैंने चाय वाले के करीब जाते हुए कहा, भाई साहब वो आदमी कौन था जो अभी चाय लेकर कब्रिस्तान के अंदर गया? इस पर उस चाय वाले ने कहा, वो तो कब्रिस्तान में ही रहता है, वो अकेला नहीं है, बहुत से लोग हैं उसके साथ, दिन भर सब सोते रहते हैं और रात को जागते हैं। ये सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये चाय वाला किन लोगों की बात कर रहा है। अभी मैं उस चाय वाले से दोबारा पूछने जा ही रहा था कि तभी कब्रिस्तान के अंदर से एक आवाज आई, सुरेश ये ले तेरी केतली। और इसी आवाज के साथ कब्रिस्तान के अंदर से एक लंबा हाथ बाहर निकला। उस हाथ की कलाई में केतली थी। मैं ठिटक कर एकदम से पीछे हट गया। मेरा दिमाग सुन्नसा हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना लंबा हाथ किसी इंसान का कैसे हो सकता है। इतने में ही पीछे से सुंदर ने मेरा हाथ पकड़ा। वो मुझे खींचकर साइकिलों के पास ले गया, जिसके बाद हम दोनों ने अपनी अपनी साइकिल उठाई और बारिश में भींगते हुए ही अपने घर की तरफ भाग गए। हम भाग रहे थे कि तभी हमारे कानों में पीछे से एक आवाज आई, साहब चाय नहीं पीजिएगा? मगर हम रुके नहीं और भागते हुए सीधे घर आ गए। कुछ दिनों तक हमने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया। बाद में जब हमने ये बात सबको बताई तो किसी ने भी हमारी बात पर विश्वास ही नहीं किया। पर उस रात हमारे साथ जो हुआ उसे हम कभी नहीं भूल सकते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।